सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल थंबनेल देख के तो आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बताने लगा हूँ। जी हाँ, मैं बताने लगा हूँ कि कैनवा में आप जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो मैं समझाने लगा हूँ, मैंने ब्राउज़र में कैनवा ओपन किया हुआ है। ये सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं, हम थंबनेल ओपन करते हैं, यूट्यूब थंबनेल वाला मेन्यू ओपन करते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये वाला टेम्पलेट, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे ये इस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो गैस ये तीन डॉट्स शो हो रहे हैं आपको। ये मोबाइल में बता रहा हूँ, मोबाइल के लिए इस तरह ऑप्शन होते होंगे, पीसी के लिए थोड़े और होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये इस पर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। तो अब यहाँ पे जो पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो जहाँ पे मैंने इसको करना पेस्ट वो हम लेके जा सकते हैं। ये देखें, स्पेशल इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। तो ये वाला हम डिलीट कर देते हैं, इसका आपको समझ आ गई है, क्लिक करने से डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो दूसरा जो है, फिर इस पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पे, तो ये लिखा हुआ है सेंड बैकवर्ड। बैकवर्ड करने से क्या होगा कि ये कितनी अगर लेयर है ना आपने इमेज की बैकग्राउंड में लगाई है तो उसके पीछे चला जाएगा, पहली के पीछे। ये बैकवर्ड हो गया, यहाँ पे कोई लेयर नहीं थी इसलिए नज़र आ रहा है। अगर हम करें ना सेंड टू बैक, तो ये देखें ये जो येलो बैकग्राउंड है तो उसके भी पीछे चला गया। तो अगर आपने ले आना है उसको फ्रंट पे, ब्रिंग फॉरवर्ड ले आएंगे तो एक लेयर के आगे आ जाएगा, अगर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो ये टॉप पे आ गया। तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये देखें, ये मैंने यहाँ से कोई इमेज पिक की, ये मैंने इमेज पिक की, इमेज जो है वो हो रही है शो। अच्छा चलो ये इमेज कर लेते हैं। अब ये देखें, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करते हैं तो इसके ये एक मिनट, ये इमेज भी बैक पड़ी है तो इसको हम ले आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग टू फ्रंट, ये थोड़ा जो है ना नेट स्लो उसका इशू बन रहा है। अब ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गई है, टेक्स्ट उसके पीछे चला गया तो हम इसको ले आते हैं फ्रंट पे। तो ये देखें, ये फ्रंट पे आ गया, ये सारा काम होता है। तो इसके आ गया ये लॉक वाला लिंक भी आप कर सकते हैं, इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो उसके आगे जो है थ्री डॉट्स पे करने से ये आगे लिखा लॉक, लॉक लग जाने का मतलब ये होता है कि जब आप इधर उधर कोई छेड़खानी कर रहे हैं तो उसको कुछ नहीं होगा, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, तो ये फ़ायदा होता है। तो गैस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।